हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद संगम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको डाउनलोड करना होता था तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता था, तब जा करके आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाते थे। दोस्तों, उसके बाद में एक एप्लीकेशन आया जिसका नाम था डिजीलॉकर एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में आप अपनी आईडी बनाते थे और उसमें लॉगिन हो जाते थे। उसके बाद में आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक ही एप्लीकेशन के जरिए एक्सेस कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, अब एक नया फीचर्स आ चुका है जो कि व्हाट्सएप में एक नया फीचर्स ऐड किया गया है। आपको एक व्हाट्सएप नंबर है, उसको आपको अपने कॉन्टैक्ट में सेव करना होगा और उसके ज़रिए आप चैट करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप व्हाट्सएप के ज़रिए अब आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या नया फीचर्स है, किस प्रकार से वो यूज होने वाला है, मैं आपको आज लाइव करके दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में स्टार्ट से एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से उसको यूज करना है, किस प्रकार से आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने व्हाट्सएप के जरिए डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका यूज करने के लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर है जिसको आपको अपने कॉन्टैक्ट में सेव करना है। इस नंबर को मैं आपको स्क्रीन पर दे दिया हूँ, वहाँ से इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा और उसके बाद में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर को दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप इस नंबर को अपने कॉन्टैक्ट में सेव कर लीजिएगा। उसके बाद सेम उसी प्रकार से आपको उस नंबर को सेव करना है जैसे आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के नंबर को सेव करते हैं। और उसके बाद में अपने व्हाट्सएप ऐप्स को ओपन करना है, उसके बाद में वहाँ पर आपको चैट करना होगा। तो चलिए, कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ, व्हाट्सएप में आ चुका हूँ और जो नंबर मैंने सेव किया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं माय गवर्नमेंट हेल्प डेस्क का यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ है। तो इसमें हम चैट में आ चुके हैं, इसको ओपन कर चुके हैं इस नंबर पे। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी अपने कॉन्टैक्ट में नंबर को सेव करना है, उसके बाद चैट करना है। तो यहाँ पर मैसेज में टाइप करना है आपको हाई लिखकर, आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। तो जब आप हाई लिखकर यहाँ पर चैट करते हैं उससे, तो आपको रिपीट उधर से एक मैसेज सेंड किया जाता है, जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर हाई लिखकर मैसेज करते हैं तो आपको वहाँ से रिपीट मैसेज आता है, नमस्ते, दिस इज़ दी गवर्नमेंट इंडियाज माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक है कोविन सर्विसेज और दूसरा है डिजीलॉकर सर्विसेज का। तो कोविन सर्विसेज वह है दोस्तों जो आप अपने कोविशील्ड, कहने का मतलब जो आप कोरोना की वैक्सीन लगवाए थे, उस सर्टिफिकेट को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके आपको दिखाना है, तो मैं डिजीलॉकर सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पर उस पर टाइप करता हूं, तो दोबारा से चैट मैसेज सेंड हो जाता है। दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर यूँ कहें जो इसका व्हाट्सएप नंबर है, इसमें कुछ हमें लगता है नेटवर्क इशू है, क्योंकि इसका जो रिपीट मैसेज उधर से आता है वो काफ़ी स्लो आता है। थोड़ी देर तक मुझे वेट करना होता, तो हो सकता आपको भी वेट करना पड़े, तो आपको यहाँ पर थोड़े समय तक वेट करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं वेलकम टू डिजीलॉकर सर्विसेज टू डाउनलोड इशू योर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू हैव ए डिजीलॉकर अकाउंट। दोस्तों, इसके पहले अगर आप कभी भी अपने डिजीलॉकर अकाउंट को बनाए रहे होंगे, कभी भी आप लॉगिन हुए रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं किए थे तो आपको नो करना है। तो नो करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप कभी भी डिजीलॉकर एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं हुए थे, कभी भी आईडी नहीं बनाए थे, तो आपको सबसे पहले डिजीलॉकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पर अपनी आईडी को बना लेना है। उसके बाद में चाहें तो आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है पहले डिजीलॉकर एप्लीकेशन पे वेरीफाई होगा, उसी के बाद में ही ये व्हाट्सएप पे वर्क करने वाला है। दोस्तों, मेरे पास पहले से डिजीलॉकर एप्लीकेशन का जो आईडी था वो मैं बना चुका था, तो यहाँ पर मैं यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पर मैं मैसेज को सेंड कर चुका हूँ। दोस्तों, मुझे यहाँ अपने आधार कार्ड को, जो 12 डिजिट का आधार नंबर है, मुझे यहाँ पर टाइप करना है और सेंड करना है, वो भी बिना स्पेस के। तो मैं अपने आधार नंबर को यहाँ पर टाइप करके सेंड कर देता हूँ, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने आधार नंबर को यहाँ पर सेंड कर चुका हूँ। उसके बाद में यहाँ पर प्लीज इंटर ओटीपी, तो मुझे यहाँ पर एक ओटीपी मिली है, तो मैं उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड की जाती है,
तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद में सेंड कर देना है। दोस्तों मेरे नंबर पर ओटीपी आ चुकी है, तो मैं ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके यहाँ पर सेंड कर चुका हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों बी आर कन्फर्मिंग योर ओटीपी, तो हमारी ओटीपी को 30 सेकंड में अभी कन्फर्म किया जा रहा है। जैसे ही ओटीपी कन्फर्म होती है तो हमारे सामने दूसरा ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आ चुका है। अब हमें यहाँ पर क्लास 10th, 12th और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों डाउनलोड करने के लिए हमें इशू वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से चैट करना है, दोबारा से हमें सेंड कर देना है मैसेज को, और उसके बाद में हमारे सामने एक नया मैसेज आ जाता है। उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देखते हैं पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, CBSE क्लास 10th, 12th और इस प्रकार से व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC, कुछ इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिखा गया है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है, जैसे कि मुझे पैन कार्ड को डाउनलोड करना है, तो मैं फर्स्ट लिखकर यहाँ पर टाइप किया 1 और उसके बाद मैं सेंड कर दिया हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने नया पेज आ जाता है। हमने 1 टाइप करके यहाँ पर सेंड किया मैसेज को, तो हमारे सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लीज़ इंटर योर 10 कैरेक्टर पैन कार्ड ID। तो यहाँ पर मुझसे कहा जा रहा है कि अपने पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको टाइप करना है और सेंड कर देना है। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं मैं अपने पैन कार्ड नंबर को यहाँ पर टाइप करके सेंड कर चुका हूँ, और उसके बाद में हमारे सामने एक मैसेज आ चुका है, थैंक यू प्लीज़ कन्फर्म योर फुल नेम। तो यहाँ पर मुझे अपने नेम को यहाँ पर टाइप करके सेंड करना है, जो भी पैन कार्ड पर लिखा हुआ है। तो मैं अपने नेम को यहाँ पर टाइप करके सेंड कर चुका हूँ, और उसके बाद में थैंक यू प्लीज़ अलाउ मी ए मूवमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं थैंक यू का एक मैसेज आया हुआ है, जो कि यहाँ पर अभी ये चेक किया जा रहा है, जो भी आपका नाम है, जो भी इस प्रकार नाम से जो भी ये पैन कार्ड नंबर अलाट है, तो उसको चेक करने के बाद आप देखते हैं द पैन कार्ड ऑलरेडी इशूड योर डॉक्यूमेंट्स प्लीज फाइंड योर पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मुझसे कहा जा रहा है कि जो आपका पैन कार्ड है पहले से डाउनलोड हो चुका है इस नंबर पे, तो आप अपने वेरिफिकेशन रिकॉर्ड में इसको चेक करिएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं इसका पहले यूज कर चुका हूं, मैं इसको पहले भी डाउनलोड कर चुका है, इसलिए ऐसा मैसेज हमारे सामने आया हुआ है। दोस्तों फिर भी हमारे सामने यहाँ पर देखते हैं आयकर विभाग की तरफ से एक PDF सेंड किया गया है, जो कि पैन कार्ड का है। दोस्तों मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं जैसे हमने इसको ओपन किया, तो यहाँ पर आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, न्यू पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, जेंडर, DOB वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर डिजिटली साइंड यहाँ पर वेरीफाइड है, और QR कोड यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों कुछ प्रकार से जो पैन कार्ड है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपको ये देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड करके दिखा दिया, आप इस प्रकार से और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप स्टेप बाय स्टेप करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया, आप स्टेप बाय स्टेप करके सभी डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने वीडियो बनाने के लिए आपको ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके आपको दिखा दिया, अब अगर सभी में डॉक्यूमेंट्स को आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने हिसाब से अगर आपको जो भी यहाँ पर डाउनलोड करना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपको 10th, 12th मार्कशीट या फिर RC, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको डाउनलोड करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3 इस प्रकार से टाइप करके और सेंड करेंगे, तो आपको रिपीट मैसेज आएगा, और उसके बाद में जो भी आपसे क्वेश्चन आंसर किया जाते हैं आप उसका आंसर दीजिएगा, उस हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों ये रही कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप इसको यूज करिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको यूज करके कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है, कुछ भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, बेझिझक मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।